चलो हाय गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। आज हम जा रहे हैं गुरुद्वारे। तो अभी क्या है, हमारी गाड़ी में थोड़ा पेट्रोल भी कम है और गुरुद्वारा बंद होने का टाइम भी होने वाला है, तो हम सोच रहे हैं अभी पेट्रोल डलवाएं या वापसी में डलवाएं। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं गुरुद्वारे। अभी टाइम हुआ है 8:20, अभी भी 40 मिनट है हमारे पास। बट आज काफ़ी रश है यहाँ पे ना, क्योंकि यहाँ पे हो चुकी हैं शुरू ईद की छुट्टियाँ। आज पहला दिन है यहाँ पे, लॉन्ग वीकेंड है। लास्ट टाइम गुरुपुरब में आए थे तब बहुत रश था, यहाँ तक लाइन लगी थी एंड तक। हाँ, तब तो पार्किंग भी बड़ी मुश्किल से मिली थी, आज तो हमें लकीली पार्किंग मिल गई है। ये है गुरुद्वारे का फ्रंट गेट और इसके सामने एकदम ये है चर्च। और ये कभी मैंने ध्यान नहीं दिया, ये भी पता नहीं क्या है, गुरुद्वारे का पार्ट है या मंदिर टाइप बना है। तुझे पता है क्या ये? नहीं, मैंने भी आज ही ध्यान दिया। आज ही ध्यान दिया है, मेरी तरह तू भी ना। जो गुरुद्वारे का हलवा होता है ना, बहुत अमेजिंग लगता है मेरे को। आटे का होता है जो कि बना हुआ, बहुत टेस्टी होता है, उसका कोई तोड़ नहीं है। So guys, वो जो सामने दिख रहा है, let me zoom it a little. This, ये स्टेडियम है यहाँ का। जो भी क्रिकेट लवर होगा उनको समझ में आ रहा होगा कि क्या मतलब मजा आता होगा इस वाले स्टेडियम में देखने में। ये वाला स्टेडियम मैंने भी, इसमें एक मैच देखा, बस एक ही देखा। हमने एक बार देखा था यहाँ पे IPL का मैच, एक बार यहाँ देखा था और एक बार देखा था शारजा में। अबू धाबी वाला स्टेडियम नहीं देखा अभी तक हमने, बट यहाँ दोनों स्टेडियम में हमने मैच देखे हैं। तो गाइज अभी हम पहुँच चुके हैं पेट्रोल पंप, अभी पेट्रोल डलवा रहे हैं। नो थैंक यू। वैसे यहाँ पे पहले पेट्रोल था 1.60 अराउंड 32 रुपीस इंडियन रुपीस। आजकल क्या है, यहाँ पे भी पेट्रोल का प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है कोविड के बाद से। 1.6 से लगा लो आप 3.5 के अराउंड हो चुका है पर लीटर, जो कि इंडिया के 70 रुपीस के अराउंड होता है। तो गाइस अभी हम सोच रहे थे कि यहाँ से जाने के बाद हम लोग कुछ घर का सामान लेंगे, बट लेट्स सी क्या प्लान होता है। So guys, सामने है मैकडी। यहाँ पे मोस्टली हर पेट्रोल पंप पे आपको मैकडी या पिज्जा हट मिलेगा और सुपरमार्केट रहती है। हर पेट्रोल पंप पे रहती है यहाँ पे सुपरमार्केट, मैकडी या तो पिज्जा हट तो पक्का मिलेगा। गाड़ी का टैंक हो चुका है फुल। अभी पहले जो होता था गाड़ी का टैंक फुल होता था अराउंड 60 दिरहम के अराउंड हो जाता था, बट आज हुआ है 110 में, क्योंकि प्राइस बढ़ चुका है पेट्रोल का इस वजह से। इस रूट पे कुछ नहीं मिलेगा, हाईवे है यहाँ पर। यहाँ का जो है, यहाँ पे ये है IMG वर्ल्ड्स, ये इंडोर थीम पार्क है, अंदर काफ़ी सारी राइड्स वगैरह हैं। यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है ना, इसलिए पूरा ये थीम पार्क इंडोर बनाया गया है। यहाँ पे भी काफ़ी लोग आते हैं बट हम कभी नहीं गए, मुझे ये हमारी खासियत है। इस वजह से हम नहीं जाते थीम पार्क्स वगैरह में। yes. कभी कभी चले भी जाते हैं बट रेयर जाते हैं, बहुत रेयर जाते हैं। मुझे राइड्स बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, लेकिन हाँ रोहित को बहुत शौक है राइड्स का, मतलब बहुत ज्यादा नहीं कि पैशनेट है, बट हाँ इसको अच्छा लगता है, ठीक लगता है एवरेज। लेकिन हाँ एक एक जगह है जहाँ पे हम दो बार गए थे, कौन सी जगह है वो? दुबई मॉल में गए थे हम लोग, सेगा रिपब्लिक। सो यहाँ पे एक जगह है सेगा रिपब्लिक करके, वहाँ पे बहुत सारी राइड्स होती हैं। तो ऐसी वाली राइड्स भी होती हैं जैसे आपको जो आपके ऑपोजिट बंदा है उससे कम्पीट करना है, तो ये वाला ऑप्शन भी होता है। तो कार्ड्स फिल कराने होते हैं और उसके बाद राइड्स, और अजीबो गरीब राइड्स। मुझे राइड्स में बिल्कुल इतना मज़ा नहीं आता, सिर घूम जाता है और अपना टाइम भी ख़राब होता है, ऐसे भी वेस्ट होते हैं। मुझे ऐसी जगह थोड़ी पसंद होती है कि जहाँ पे आप आराम से बैठे हो, आसपास थोड़े बहुत नदी पहाड़ उस तरह की चीज़ें मिल जाएं। बट जब मैं दिल्ली में थी तो काफ़ी ऑप्शंस होते थे ऐसे, क्योंकि हिल स्टेशन बहुत है दिल्ली के आसपास, बट यहाँ पे सिर्फ कंचे पहाड़ हैं। UAE में पब्लिक हॉलीडेज चल रही हैं, जिसका मुझे तो कुछ पता नहीं चलता क्योंकि मैं जॉब नहीं कर रही, लेकिन हाँ रोहित को बहुत पता चलता है। इसलिए रोहित मुझे अभी मेरे उसमें आया है चंगुल में, क्योंकि रोहित को बस टाइम नहीं होता इतना, तो इसलिए आज मैं आप लोगों के साथ व्लॉग बना रही हूँ, मतलब आप लोगों के लिए। और फिलहाल हम लोग जा रहे हैं बुहेरा कॉर्निश। सो गाइस ये है मेरा एक्स ऑफिस, यहाँ पे मेरी बहुत अच्छी मेरी बेस्ट फ्रेंड, नहीं मतलब इसके पीछे यहाँ पे मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है, मतलब मेरी यहाँ पे तीन बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं, उनमें से एक फ्रेंड है
वो यहाँ पे अभी तक जॉब करती है, तो उससे मेरी बात होती रहती है। तो जब भी मैं ये बिल्डिंग देखती हूँ मुझे उसकी याद आती है। उसके अलावा मेरी एक बहुत अच्छी अरेबिक फ्रेंड है जिसका नाम नसरीन है, कभी आएगी कैमरे में तो आप लोगों से मिलवाऊंगी मैं। और थर्ड है मेरी सोफ़ा फ्रेंड, जो कि आजकल बहुत बिजी है, बहुत, उसके पास टाइम ही नहीं हमारे लिए, इतनी ज़्यादा सुपर सुपर डुपर बिजी है। ये है जाइंट व्हील जो कि बिल्डिंग के पीछे छुप गया है, ये रहा दिस। हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, ऐसे ही वॉक करते जा रहे हैं। हमें पार्किंग मिली है काफ़ी दूर। यहाँ पे ऐसा हो रखा है आज, इतना ज़्यादा रश है, हद से ज़्यादा। ये पार्किंग हमेशा खाली रहती थी, आज एकदम खचाखच भरी है। पब्लिक हॉलीडे है, लोग बैठ जाते हैं यहाँ पे ऐसे ही पार्क में आके पिकनिक शिकनिक करने के लिए। अभी नेक्स्ट मंथ से इतनी गर्मी हो जाएगी, बाहर आते ही हमारे बन जाएंगे पकौड़े। हाँ। इतनी गर्मी होती है सच में, मुझे लगता है कभी कभी यहाँ पे इतनी गर्मी होती है, बाहर धूप में अंडे भी रखेंगे ना पानी में उबल जाएंगे, ऐसा लगता है मुझे तो। वैसे हर बार जो मई का मंथ होता है ना वो बहुत गर्मी लेके आता है, लेकिन इस बार का मई काफी प्लेजेंट है। मार्केट से लेके आता है, मई में बहुत गर्मी हो जाती है, अप्रैल में शुरू हो जाती है होनी, बट इस बार मई भी एकदम बढ़िया जा रहा है, मस्त जबरदस्त, बहुत अच्छा जा रहा है, मई भी एकदम बढ़िया जा रहा है। एंड आई एम थिंकिंग कि हां जून वैसे ही होगा गर्मी वाला, बहुत ही ज्यादा। उस टाइम पे आप कहीं नहीं जा सकते, मतलब बस छुप जाओ अपने बिलों में। बिलों में मतलब यहाँ पे 3-4 दिन की छुट्टी चल रही है, इसलिए ऐसा माहौल हो रखा है हर जगह। मॉल वॉल में तो पैर रखने की जगह नहीं है, इतने खचाखच भरे हुए हैं मॉल। ये अच्छा लगाया ना इन्होंने स्टार वगैरह। यस, बहुत बढ़िया। यहाँ पे तो अभी चांद भी बना हुआ है ईद के लिए। हाँ, किधर? ये इधर। अच्छा, सो हमारा टिम हॉर्टन्स, ये रहा हमारी पेट शॉप, कॉफी स्पॉट, यहीं पीते हैं हम लोग। बट आज तो ये भी भरा हुआ है, जगह नहीं है बैठने के लिए, फुल है, हाउस फुल, अंदर बैठना पड़ेगा। वैसे बाहर बैठ के ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि सामने पूरा पानी का नज़ारा और अच्छा लगता है, पूरा एम्बियंस बना होता है, माहौल बना होता है। लेकिन आज जैसा खचाखच भरा हुआ है तो मैं अंदर ही बैठना पड़ेगा लग रहा है मुझे। सो गाइस, हमारी कॉफ़ी आ चुकी है और वही रेगुलर वाला फ्लेवर हमने लिया है, फ्रेंच वनीला। बहुत शोर हो रहा है ना यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। कॉफ़ी वॉफ़ी पी ली है हमने, अब हम सोच रहे हैं थोड़ा यहाँ टहल लेते हैं, थोड़ा मार्केट देख लेते हैं कैसी है रौनक यहाँ पे, चलें। यस, रौनक तो बहुत लगी है। वैसे यहाँ पे बैठना मुझे बहुत अच्छा लगता है, आराम से टाइम बिताओ, पर आज यहाँ पे शोर बहुत है, बहुत बच्चे खेल रहे हैं छोटे छोटे इधर। ये देखो यहाँ पे ना 2 बच्चे हैं यहाँ पे ना 2 बच्चे हैं जो कि एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं और चिल्ला रहे हैं बहुत ज़्यादा। मुझे अपने बचपन की याद आ रही है उन दोनों को देख के। सभी ऐसे होते हैं बचपन में, चीखते चिल्लाते हैं, पता नहीं क्या फन मिलता है भागने में। मैं और मेरी सिस्टर ऐसे करते थे, हम भी ना एक दूसरे के पीछे भागते थे और एकदम से चिल्लाते थे, पता नहीं क्यों, छोटे थे तब अकल नहीं थी। तो उस टाइम पे क्या होता है ना, जो बड़े लोग होते हैं ना वो बच्चों को देख के सोचते हैं कि ये क्यों भाग रहे हैं यार, ये क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में। हम लोग जो बड़ों को देखते थे हम सोचते थे कि यार कितने बोरिंग है यार ये, लेकिन अब हम बड़े हो गए तो अब हमें लगता है कि ये बच्चे यार क्या है, इधर से उधर इधर से उधर बैठ नहीं सकते, हमें अब बैठना अच्छा लगता है। तो ऐसा होता है, आप जिस भी टाइम की बात होती है, हाँ, अब अपनी लाइफ के जिस फेज में होते ना वैसे हो जाते हो। तो इन दोनों बच्चों को देख के मुझे मेरी सिस्टर की याद आ रही है, हम लोग भी ऐसे खेलते थे। अच्छा, मुझे नहीं पता। इन दोनों बच्चों की बात कर रही हूँ मैं, ये वाइट वाला बच्चा और वो येलो टी शर्ट वाला, इतनी मस्ती कर रहे हैं ना ये दोनों। हाय, ये बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल ऑप्शन है, मतलब एनी आइटम सिर्फ 2 dirhams में, सो चीप। नो एसएन की याद आ गई, सरोजनी नगर मार्केट की, वहाँ पे भी ऐसा माल मिलता है ना। सरोजनी नगर में बहुत सारा सामान मिलता है, बहुत सारा, मतलब वहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस मिलेंगे ना आपको, जो लोग भी दिल्ली से अगर देख रहे हैं गलती से, मतलब कपड़ों के ऑप्शंस आप लोगों के, सूट के, वेस्टर्न वेयर, सब कुछ ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, बेल्ट, ये भी ले सकती है तू, पहनती है ना हेयर बैंड 2 dirham में, 2 dirham में, बताओ आपको कौन देगा डियोर। सरोजनी नगर तो वहाँ पे भी आपको 100-150 rupees के इयररिंग्स मिलते हैं, लेकिन ऑब्वियसली इतने छोटे नहीं, थोड़े नॉर्मल ट्रेडिशनल वियर, और वैरायटी इतनी होती है ना, वो चीज़ मैं यहाँ पे मिस करती हूँ।
यहाँ पे वैरायटी नहीं है कुछ भी, बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस हैं, थोड़े पुराने से लगे। सो अभी हमारी शॉपिंग हो चुकी है, हम एग्जिट कर रहे हैं मार्केट से। मैंने कुछ छुटपुट सामान लिए हैं, मतलब थोड़े नॉर्मल से सामान जो ले सकते थे, वो तो पता नहीं दो दिरहम में क्या क्या बांट रहे थे। रस्ते का माल सस्ते में मिला था तो इसने ले लिया। हाँ, क्यूट क्यूट लगा इसको तो इसने ले लिया। एक्चुअली जो भी चीज़ें थी वो यूजफुल भी थी, और ऑब्वियसली आप दो दिन में क्या एक्सपेक्ट करोगे, बहुत गुड क्वालिटी नहीं है, लेकिन जैसे आपने दो से तीन बार यूज़ की एंड देन डिस्कार्ड कर दो या जो भी होगा। बट मैं घर जाके आपको दिखाऊंगी, यहाँ तो पूरा माहौल नहीं है आपको दिखाने का, घर जाके आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया है। बस तो अभी हम जा रहे हैं घर, घूम फिर लिया, बातें बातें हो गई, थोड़ा हमने भी टहल लिया और इसकी शॉपिंग भी हो गई। शॉपिंग तो क्या, शॉपिंग का प्लान कुछ भी नहीं था, वो रैंडमली थोड़ा अट्रैक्टिव सा ऑफर लगा तो ले लिया। ये है वो वाली शॉप, 2 dirham एनी आइटम, और ये यहाँ की बस, डबल डेकर बस होती है, यहाँ पे शारजा का पूरा टूर होता है, ओपन ऑफ जो बस रहती है वो वाली है, ये शारजा सिटी का टूर करवाते हैं इस बस में। करेक्ट, तो ये हॉप ऑन हॉप ऑफ की सर्विस होती है, यहाँ पे आपको एक पास लेना होता है और आपको आराम से बैठ के, जो काफ़ी सारी सिटीज़ में होता है, वर्ल्ड वाइड होता है ये हॉप ऑन हॉप ऑफ जो होता है, पूरा कॉन्सेप्ट पूरा वर्ल्ड वाइड है, तो वहाँ पे आप लोगों को पास मिल जाता है, आप आराम से नज़ारे लेते हो, ऐसे आप बैठ के आराम से इंजॉय कर सकते हो। चलो उफ़।